जय श्री कृष्ण दोस्तों, व्रत त्योहार उपाय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पितृ पक्ष से जुड़े हुए कुछ खास भोग के बारे में। पितृ पक्ष में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में श्राद्ध का काफी महत्व होता है और पंचांग के अनुसार अश्विन मास के साथ ही श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है। श्राद्ध के दिनों की कुल अवधि 15 दिनों की होती है। इन्हें पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आपने अपने पितरों को पंचबली भोग नहीं लगाया तो आपके पितर नाराज होकर भूखे चले जाएंगे और ऐसे में आत्मा भूखी रह जाएगी और उनसे हमें आशीर्वाद की जो उम्मीद होती है वो भी खाली रह जाएगी। ऐसी मान्यता है कि पंचबली भोग से प्रसन्न होकर पितर अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि पंचबली भोग में क्या होता है और इसे कैसे करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पंचबली भोग होता क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के साथ 5 तरह की प्राणियों को श्राद्ध का भोजन कराए जाने का नियम है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान इन्हें भोजन कराया जाता है तो पितर इनके द्वारा खाए अन्न से तृप्त हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कौन से हैं ये वो 5 जीव। सबसे पहला है गौ बलि। पितृपक्ष में पहला भोग पवित्रता का प्रतीक गौ माता को दिया जाता है। गौ माता, जैसे कि हम सभी जानते हैं, उनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको पितृपक्ष के दौरान गौ माता को भोग लगाना होगा। दूसरा है कुकुर बलि। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पितरों का श्राद्ध करते समय दूसरा भोग हमेशा कुकुर यानी कुत्ते को लगाना चाहिए। कुकुर को कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो जब भी आप अपने घर में श्राद्ध की विधि करें तो ऐसे में एक हिस्सा आपको किसी भी कुत्ते के लिए भी निकालना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर कुत्ता आपके घर में है, यानी वो आपका पालतू कुत्ता है, तो आप ऐसे में उसे ये भोजन नहीं देंगे। घर के बाहर जो गलियों में और सड़कों पे कुत्ते होते हैं, आप उनको ही केवल ये भोजन दे सकते हैं। तीसरा है काक बलि। काक, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि इसका अर्थ हुआ कौवा। पंचबली में तीसरा भोग कौवे को लगाया जाता है। मैंने पहले ही एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है कि पितृपक्ष के दौरान हम कौवे को भोग क्यों लगाते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है जो कि मैंने अपने वीडियो में बताई है। आप चाहें तो जाकर के मेरे चैनल पर वीडियोस में देख सकते हैं। कौवे को पितरों का वाहक माना जाता है। ऐसे में कौवे को भोग लगाना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इनके अन्न खाने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। चौथा है देव बलि। चौथा भोग देवत्व संवर्धक शक्तियों को लगाया जाता है। ये भोग सभी देवी देवताओं के नाम से निकाला जाता है। आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनके नाम से इस भोग को निकालें और निकाला हुआ भोग आप किसी भी छोटी कन्या या फिर किसी गाय को खिला सकते हैं। पांचवा है पिपिला कादी बलि। पंच बलि में पांचवा भोग चींटियों को लगाया जाता है। चींटियों को श्रम निष्ठा और सामूहिकता यानी एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चींटियों को भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है पितृपक्ष के दौरान। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप चींटियों को भोग लगाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि चींटियां काली हों, लाल चींटियों को भोग नहीं लगाना है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि पंचबली भोग को लगाना कैसे है। पंचबली भोग लगाने के लिए 5 केले के पत्ते या एक बड़ा पत्तल लें। उसमें 5 जगह भोजन रखें।
भोजन में उड़द की दाल की टिक्की और दही रखें और इस भोजन को 5 भाग में बांट दें और पंचबली भोग गौ, कौवा, कुत्ता, देव और चींटियों को खिला दें। इन सभी जीवों का मंत्र बोलते हुए अक्षत छोड़ते हुए पंचबली समर्पित करें। पंचबली देते समय जो मंत्र बोलना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो सभी 5 बलियों के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ श्राद्ध के इन दिनों में आप ये पंचबली भोग जरूर लगाएंगे ताकि आपके पितर आपसे हमेशा खुश रहें, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और जीवन में आप हमेशा तरक्की करते रहें, साथ ही अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आप तक लाती रहूँ, आप तक वो वीडियोज़ पहुँचते रहें। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्णा।